हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आरआरआर मूवी का लेटेस्ट बिहाइंड द सीन। एसएस राजामौली सर के सक्सेस का रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में उनकी आने वाली हर एक फिल्म एक से बढ़कर एक होगी। अब आरआरआर फिल्म को ही देख लीजिए, जिसने तकरीबन 13 दिनों में ही 1000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम लोग बढ़ते हैं फिल्म के शूटिंग लोकेशंस पर। मूवी का 90% हिस्सा रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट कर ली गई थी, जबकि कुछ लोकेशंस यूक्रेन का भी है, जिसे हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिल्म की स्टार्टिंग से पहले रामोजी फिल्म सिटी में पूजा समारोह रखा गया था। इस स्पेशल डे में राणा दग्गुबाती सर और प्रभास सर भी आए थे, जिन्हें आप यहाँ देख रहे हो। वैसे एसएस राजामौली सर के बाहुबली फिल्म का सेट तो काफी बड़ा था। इतनी बड़ी सेट की नीड आरआरआर के लिए नहीं थी। हालांकि बाहुबली सीरीज की तरह एक ही बड़े सेट में पूरी फिल्म नहीं बनाई गई, यहां पर इसके लिए कई सारे छोटे छोटे सेट्स बनाए गए थे इसी रामोजी फिल्म सिटी के अंदर, जिसे आप आगे देखोगे। मूवी में इस जगह राम यानी रामचरण को फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ क्रांतिकारियों की भीड़ जमा होती है, जिसमें से एक ब्रिटिश गवर्नर की फोटो पर पत्थर मारकर उसे तोड़ देता है, जिससे कि गुस्से में आकर एक ब्रिटिश ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उन्हें पकड़ने की कि वह भीड़ में जाकर उस बंदे को गिरफ्तार करे, और तभी रामचरण सर की एंट्री होती है मूवी में। ये जो फिल्म का लोकेशन आप देख रहे हो वह रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद का है। इस सीन को करने के लिए 5000 आर्टिस्ट जुटाने पड़े थे। इस जगह पर ब्रिटिश ऑफिसर से मल्ली को छुड़ाने की बात रखते हैं एक स्थानीय नेता, जो आपने मूवी में देखा था। और उसके अगले सीन में कोमाराम भीम यानी जूनियर एनटीआर को मूवी में हम पहली बार देखते हैं। जूनियर एनटीआर सर को इस जगह वाली जो शूटिंग आपने देखा था फिल्म के अंदर, वो कुछ इस तरह से हुई थी। एंड यह भी फिल्म सिटी के ही अंदर का लोकेशन है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक कैमरामैन एक एटीवी बाइक पर सवार है और पीछे से भीम दौड़ रहे हैं। यहां आपको उनके पीछे बाघ तो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे CGI से मूवी में प्रेजेंट किया गया है। इस सीक्वेंस में राम और भीम की दोस्ती होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले यहां पेट्रोलियम से भरी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, जिसे कि काफी बड़ा विस्फोट दिखाया गया है मूवी में। एक्चुअली आपने जो मूवी में एक बड़ा सा ब्रिज देखा है वो असल में है ही नहीं, उसे CGI और VFX के जरिए तैयार किया गया था मूवी में। एंड आप यहां देख रहे हो कि यह फिल्म सिटी का एक छोटा सा ही हिस्सा है, जिसके चारों तरफ ब्लू बैकग्राउंड लगाई गई है। एंड जो बड़ी नदी आपने मूवी में देखा था वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। बट इस शूटिंग लोकेशन का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि इस सीन को शूट करने के लिए सच में विस्फोट कराए गए थे, लेकिन पूरी सेफ्टी पैरामीटर से। और फिर उसके बाद यहाँ से उस बच्चे को निकाला जाता है, और बाद में उन दोनों यानी राम और भीम की दोस्ती होती है। एंड उसके बाद दोस्ती सॉन्ग मूवी में हमें दिखाया भी जाता है। अब भीम के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, और वह डिसाइड कर लेता है कि वह अकेले ही मल्ली को छुड़ा कर लाएगा। यहाँ पर आप इस वाले पार्ट का बिहाइंड द सीन देख रहे हो। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस शूट करने के लिए कई सारे अलग अलग स्टूडियो बनाए गए थे, बट वो सारे के सारे एक ही फिल्म सिटी के अंदर हैं, और वह है रामोजी फिल्म सिटी। तो यहाँ पर भी इस वाले फाइटिंग सीक्वेंस को शूट करने के लिए एक अलग से सेट तैयार किया गया था। इस जगह राम और भीम पहली बार टकराते हैं। इस जगह जितने भी एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं वो सारे के सारे CGI है, बट मैक्सिमम सीन के लिए सच में तोड़फोड़ करी गई थी, और कई जगहों पर आग भी लगाया गया था। अब जब इस तरह की शूटिंग होती है तो यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा करना पड़ता है, बट उस भीड़ को कंट्रोल करना ही बिग टास्क है। मुझे तो यहाँ का सीन माइंड ब्लोइंग लगा था। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सालों बाद श्रेया सारन का फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक हुआ है, और उनके साथ अजय देवगन सर की जोड़ी वाकई कमाल की है। अब बढ़ते हैं इस शूटिंग लोकेशन की तरफ। तो यहाँ पर अजय सर का किरदार एक क्रांतिकारी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है मूवी में। मूवी में उनका एक छोटा सा रोल है, बट उनका किरदार काफी इफेक्टिव है। तो यहाँ उनकी आखिरी लड़ाई होती है, जहाँ वो अपनी जान की आहुति देकर सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को मारते हैं।
इस जगह पर स्कॉट भीम को पब्लिकली सजा देने का डिसाइड करता है और यहाँ पर स्कॉट के कहने पर राम उसे मार मार कर सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है क्योंकि भीम जिन लोगों के सामने कोड़े खा रहा होता है वो सारे के सारे उन्हीं के साइड में आ जाते हैं एंड यहाँ एक आंदोलन छिड़ जाता है। ये वाला सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया मूवी में एंड इस वाले शूटिंग को करने के लिए 2000 आर्टिस्ट लगे थे। यहाँ पर राम स्काउट को कन्विंस कर लेते हैं कि यह भीम को यमुना किनारे ही फांसी दे, बट राम यह चाहता है कि वह किसी तरह भीम को बचा ले। यहाँ उसके बाद का यह सीन है और इस जगह राम स्काउट को मारने की प्लानिंग भी करता है बट स्काउट यहाँ बच जाता है और यहाँ जो उड़ते हुए राम पर वो फायरिंग करता है ना, यह वाला सीन तो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा था। मैं आपको बता दूं कि स्काउट का रोल कर रहे हैं रे स्टीवेंसन जो कि हॉलीवुड की एक फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने थॉर मूवी में भी काम किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के मरीन स्काई प्लेस का यह लोकेशन है जिसे आपने नाटो नाटो सॉन्ग या नाचो नाचो सॉन्ग में तो देखा ही था बट अभी का यहाँ का सिचुएशन काफ़ी बुरा है, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है क्योंकि अब यह प्यारा सा लोकेशन तबाह हो चुका है क्योंकि यूक्रेन और रशिया वार में यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ हुई है। क्लाइमेक्स काफ़ी मज़ेदार था देखने में बट क्लाइमेक्स के उस 20 मिनट की शूटिंग के लिए फिल्म मेकर्स ने 55 डेज तक पसीने बहाए थे। इस लोकेशन से यहां पर रामचरण सर को जेल में दिखाया गया है जो कि अंडरग्राउंड जेल होता है। इस जगह पर पेड़ पौधे देख रहे हो, उसके चारों तरफ ब्लू बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ब्लू बैकग्राउंड का यूज ग्रीनरी प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जबकि ग्रीन बैकग्राउंड से ग्रीन कलर की चीज़ों को छोड़कर बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना उसको आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर एनटीआर सर अपने कंधे में राम को बिठाकर ले जाते हैं और यहाँ देख रहे हो कि एक्शन डायरेक्टर किस तरह से उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से मूवी में परफॉर्म करना है। मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया के निकोलस पॉली ने इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को सिनेमेटोग्राफी करी है। इस सीक्वेंस में राम को छुड़ाकर भीम अपने साथ जंगल ले आते हैं तो यहाँ जो मूवी में जंगल वाला सीन दिखाया गया है आप लोगों को उसे भी फिल्म सिटी के अंदर शूट करा गया था। इस क्लाइमेक्स वाले सीन को शूट करने के लिए पेड़ों को सघन दिखाना काफ़ी ज़रूरी था, इसके लिए पेड़ों के सघन हिस्से में इसकी शूटिंग करी गई थी और जंगल को घना दिखाने के लिए चारों तरफ से ब्लू बैकग्राउंड भी लगाए गए थे। इस जगह यानी क्लाइमेक्स में आपने देखा था कि राम अपनी तीर से जंगल में आग लगा देता है तो आग लगाने वाला जो सीन है उसे रियल में आग लगा कर ही शूट कर लिया गया था एंड आप देख रहे हो कि इसे किस तरह से शूट किया जा रहा है। हालांकि इसकी शूटिंग के लिए आर्टिफिशियल पौधे भी लगाए गए थे बट कुछ थोड़े बहुत नुकसान पेड़ों को भी झेलना पड़ा फिल्म मेकर्स को। बाय द वे इसके लिए उन्होंने उसी लोकेशंस पर नए पौधे लगाए ताकि जो पौधे पेड़ जल गए थे उनकी भरपाई हो पाए। बाय द वे मूवी का यह वाला सीन सबसे बेस्ट था जिसमें राम एक घुड़सवार से घोड़ा छीन लेता है और दूसरी तरफ भीम बुलेट। तो जो आप देख रहे हो यहाँ इसी सीन का शूटिंग चल रहा है, यह इस फिल्म का आखिरी सीक्वेंस है। इस जगह राम के कहने पर भीम अपनी बुलेट को हथियारों और बम बारूद वाले गोडाउन में फेंकता है और वह बुलेट वहां जाकर फटती है जिससे कि खतरनाक विस्फोट होता है और तभी स्काउट का एक एक करके पूरा महल तबाह हो जाता है। इसके बियाइंड द सीन में आप देख रहे हो कि विस्फोट वाले सीन को कुशलता से शूट किया जा रहा है। एक्चुअली विस्फोट तो कराए गए थे बट उसे ब्लू बैकग्राउंड वाले दो छोटे छोटे कमरों में कराए गए थे और फिर उसके विजुअल को बड़े कैमरे में कैद किया गया था। इसमें VFX ऐड करके मूवी में हम लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो विस्फोट होने के बाद सामान इधर उधर भी गिरे थे जिसे हमने मूवी में तो देखा ही था। एक्चुअली वो सारे सामान विस्फोट से नहीं बल्कि इसके बिहाइंड द सीन में आप देख रहे हो कि क्रू मेंबर्स द्वारा खींच कर गिराया जा रहा है। एंड मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा RRR के बारे में। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो वेल डन और जिसने नहीं देखा है उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो किसी अच्छे मल्टीप्लेक्स से फिल्म एंजॉय करे क्योंकि इसका जो 3D वर्क है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं।